ऑर्गन पाइप बेसिकली फिर वही गल आ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे गए नहीं बाजे वाजे है ना, तो फ्लूट है ये ऑर्गन पाइप है भी पाइप है विच हवा भरी हुई है, तो हारमोनियम है ढोलकी है ओल्ड सैक्सोफोन बजाते हैं व्याहां च या तबला वा, तो फ्लूट है ये सारे की है ऑर्गन पाइप इन्हें हवा है ना। तो हुण जिहड़ा ऑर्गन पाइप है पुत्र इनू दो तरह नाल असी डिस्कस करना आपां हेडिंग की लिखिया स्टैंडिंग वेव हाँ ऑर्गन पाइप एक हुंदा ओपन तो लिखो ओपन ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप आ रही तो आप हम जितना फ्लूट है बांसुरी वो ओपन ऑर्गन पाइप है उधर दोनों एंड्स ओपन होंगे तो एलईएस दी लेंथ है तो अपन इतने और आप जो पैटर्न है ध्यान दियो पुत्र जिदा तुहानू दस्या जदों भी ना तुसी चाहे स्ट्रिंग है चाहे ऑर्गन पाइप है इहदे विच जदों तुसी स्टैंडिंग वेव्स दा पैटर्न शो करना बेसिक फंडा पता की पकड़ लेना साइड ते नोट करके लिखो नोट्स are always formed at fixed ends. Or closed ends. Closed ends. Jabki anti nodes are formed at free end or open end. देखो पुत्रा ध्यान दियो हुण आपां केड़ी ऑर्गन पाइप की गल कर रहे हैं ओपन दोनों एंड्स ओपन ओपन मतलब दोनों एंड्स ओपन और ओपन एंड ते की बननी है एंटी नोड इस करके लो आता शो करना ही करना हुण अगला स्टेप सोचो पैटर्न पे याद करो नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड मतलब दो नोड्स दे विच एक एंटी नोड आनी आनी मतलब दो एंटी नोड्स च एक घट्टो घट आनी आनी है नोड घट्टो घट एक ते फिर उस तो बाद दो भी हो सकती हैं वो कितना होगा एंटी नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड है ना वो पैटर्न तो हुण इहदे विच जिहड़ा इहनू इदां दिखाणा क्योंकि नोड एंटी नोड का मतलब उपर चला गई वेव और नोड का मतलब नीचे है और इधरों जिस टाइम एदा वा तो फिर की होना आ वाले सारे पार्टिकल ने नीचे आना इन्हें थोड़ी देर बाद इदा पैटर्न होने है ना। अच्छा हम फिर देखो आ लैम्डा बाय फोर नहीं होता क्या लैम्डा बाय टू ही हो गया दो बारी
तो लैम्डा बाय टू किसके बराबर है? आही पढ़ गया सारा पैटर्न वही रहना, बस फर्क की हो गया जो थे साइडा थे दोनों ऐसे। हाँ इन्हों कितना शो करना है इन्हों कैलकुलेट करने दे फार्मूला सेम है, बस पैटर्न च नोड दी जगह हाँ वो है ना ये भी ड्रॉ कर दो। सारा कुछ सेम नाम सेम मतलब स्टैंडिंग वेव पैटर्न ना जी सब तो घट फ्रीक्वेंसी होंगी फंडामेंटल या फर्स्ट हारमोनिक कहना और बाकी फ्रीक्वेंसीज का नाम देखना वा भी वो फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल नालों कितने टाइम्स ज्यादा ओके अकॉर्डिंग है।
और ये बस ए लिख लेना वी जेड़ा वा ना ऑर्गन पाइप वो है स्पीड ऑफ साउंड बस खत्म ही है तो और बेटर है ना कुछ खत्म ना किया जाए कोई कार्य काफी जल्दी भी होगी लास्ट ऑफ पे कैसे नहीं वो एक लास्ट पे ट्यूसडे करेंगे अपन बीट्स रह जाना बस लिखो स्टैंडिंग वेव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वी क्या लिखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हूं जी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये ध्यान रखना पुत्र देखो क्लोज्ड मतलब ये कैंडल क्लोज्ड ओपन मतलब दोनों एंड्स ओपन ये ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा जहा तो हाँ सेकंड पैटर्न ली हो गया थर्ड ली हो गया देखो हूं बेटा दसिया होया तुहानू जिथे क्लोज्ड है फिक्स्ड है उठे की बननी जिथे ओपन है जिथे फ्री है हुण देखो हुण याद करो नोड एंटी नोड विच कुछ नहीं हुंदा है ना इहदा मतलब पहले पैटर्न च एंटी नोड नोड मीन्स या इता होएगा पोर्शन तो यहां इकट्ठा थले आ गए हुण नोड ते एंटी नोड की दूरी कितनी होंगी और ये किसके बराबर है तो लैम्डा की हो गया ते फ्रीक्वेंसी की हो गई है ना इदा मतलब ओपन ऑर्गन पाइप दी सब तो घट फ्रीक्वेंसी की सी वी बाय एदी 4L मतलब हाफ है दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओदे नाल है ना और ये क्योंकि सब तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी नु 1 करता ना अच्छा हुन इधर आओ इधर पैटर्न किदा बनो हुन नोड तो बाद एंटी नोड हो गया हुन नोड तो बाद फिर एंटी नोड तो परफेक्ट हुन इहदे च आ देखो अभी लैम्डा बाय 4 है लैम्डा बाय 4 तीन वारी लैम्डा बाय 4 ताल ताकि इहदा मतलब लैम्डा की हो गया
फिर फ्रीक्वेंसी की होगी 3 इनटू v1 होने तो ध्यान दियो हुन इहदी जिहड़ी अगली फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल नालों डबल नहीं सीधी तो 3 गुना होई है तो ए है फर्स्ट हार्मोनिक और ये है थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक नु हमेशा फंडामेंटल भी कह सकते हैं ये थर्ड हार्मोनिक अच्छा इहदा मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दे विच सेकंड नहीं है थर्ड है फर्स्ट है थर्ड है फिफ्थ फोर्थ देखिए देख रहे हैं और नोड फिर फिर एंटी नोड द्वारा आना थे ना लास्ट वाला इसका मतलब लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय पांच बारी हो गया तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी फोर पे नहीं आया ना मतलब तो की नोट की तापा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप च ओनली इंटेग्रल सॉरी ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होने हैं इवन वाले नहीं होने हार्मोनिक्स है ना अच्छा इट मींस तो लास्ट एक बड़ा पंचू फिर ऑड ही पंच ना तो पर ऐसे लिखना पड़ेगा एन की है ऑड इंटीजर है ना है सॉरी फोर हुण देखो हुण इत्थे इंटरेस्टिंग गल की है कि जेड़ा ना ओवरटोन दा नाम देगा ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਤਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਓਵਰ ਫਸਟ ਓਵਰ ਯਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਓਵਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿਓ ਹਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ
थोड़ा सौखा सीगा। तो इहदे च इदां ही कर सकदे आ कि इहदे च nth हारमोनिक n odd है, n is odd integer और n minus 1 by 2 over 2 check कर लो। और जब आपन third harmonic है n then 3 minus 1 by 2 1 fifth harmonic तो n 5 5 minus 1 4 by 2 ये pattern बन सकता है ना। so और ये देख भी v का मतलब की है speed of sound। तो ये patterns draw करने आने चाहिए या उन्हें या frequencies लिखनी आनी चाहिए हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਪਰ ਓਵਰਟੋਨ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਓ ਹਨਾ, ਇਹ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਫ ਰਹਿਣਾ।